पिथौरागढ़ में 14 दिनों तक चलने वाले सूर्य किरण 13 भारत नेपाल युद्धाभ्यास का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ ब्रिगेडियर रंजन मलिक और नेपाल के लेफ्टिनेंट कर्नल तिलक बहादुर थापा ने किया, जिसमें दोनों देशों के 600 जवानों ने हिस्सा लिया है। इस युद्धाभ्यास में 300 भारतीय सैनिक और 300 नेपाली मूल के सैनिक शामिल हुए हैं। साथ ही दोनों देशों की सेनाएं आपस में आतंकवाद विरोधी अभियानों के अनुरूप अपने अनुभव साझा करेंगी। गौरतलब है कि सूर्य किरण 13 एक छमाही सैन्य संयुक्त अभ्यास है, जो कि भारत और नेपाल में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के द्वारा विभिन्न देशों के साथ आयोजित होने वाले सैन्य युद्ध अभ्यासों की अपेक्षा इसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सबसे अधिक है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत नेपाल सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के साथ साथ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए दोनों देशों की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस युद्धाभ्यास में आपदा प्रबंधन व राहत एवं बचाव पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच रक्षा समन्वय के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।